प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कैनवुड एसी का एक नया फॉल्ट बताने लगा हूँ। P5 एरर कोड है, जिसके तीन नुक्स होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी नुक्स आ जाए तो वो कंप्रेसर सही नहीं चलता, बार बार P5 का एरर कोड देता है। पहला ये कि अगर आउटडोर में जो फैन होता है उसकी स्पीड कम हो, ये है, इसकी स्पीड कम हो, तब भी ये P5 एरर कोड देगा, ठीक है। दूसरा जो इसका नुक्स होता है वो होता है ये ट्यूब सेंसर। ये ट्यूब सेंसर कंप्रेसर के साथ लगा होता है, अगर ये भी इसकी भी रीडिंग ख़राब हो तब भी ये P5 का एरर देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्यूब सेंसर होता है इसकी अगर रीडिंग ख़राब हो तो वो हीट को से कंट्रोल नहीं करता, इसलिए ये P5 का एरर देगा। तीसरी वजह यह है कि अगर कंप्रेसर में गैस कम हो, गैस का प्रेशर कम हो, तब भी ये P5 का एरर देगा, ठीक है। ये आपने तीनों फॉल्ट क्लियर करने हैं। अगर किसी में भी नुक्स होगा तो ये नहीं चलेगा। ये हमने खोला हुआ ये मॉडल है आपके सामने, ठीक है। हमने इसके तीनों फॉल्ट क्लियर करे हैं और हमारा इस एसी की गैस भी कम है और ट्यूब सेंसर भी ख़राब है। हमने अब ट्यूब सेंसर बदल दिया है, अब हम इसको चला कर इसकी गैस का जो प्रेशर कम है उसको भी पूरा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये स्टैंड बाई गैस का प्रेशर है, स्टैंड बाई प्रेशर तो ठीक है, लेकिन जब कंप्रेसर चलेगा तब ये प्रेशर कम होगा। अब हम इसको चलाते हैं, चला कर इसका गैस प्रेशर पूरा करते हैं। हाँ जी प्यारे दोस्तों, क्या रहा? ठीक है प्यारे दोस्तों, आप P5 एरर का सिस्टम ठीक हो गया, तो अब ये एसी कूलिंग बेहतरीन कर रहा है। पहले ये बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था और कंप्रेसर बार बार बंद हो रहा था, अब ये बेहतरीन रनिंग साफ चल रहा है।